मैं चाहांगा रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल साहब ने वेलकम कर लिया। पीके जी, थोड़ा वाई मीडिया ग्रुप वालों रेडियो वाई चैनल वाई से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच वीर जी, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस मुंगा साहब दस रहे थे। तो बस मैं एक अनपढ़ वाली गल कर देना, चलो घट घट रिसेशन आएगा तो घट घट इंटरेस्ट वरना तो रुक जाएगा, एक पासों तो थोड़ी जी एक पासों तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी सर। बिल्कुल रिसेशन घट घट एक पासों तो जान छुटेगी ना, उत्तर इनफ्लेशन भी हो जा रहे हैं, उत्तर इंटरेस्ट भी बढ़ी जा रहे हैं, मार पै रही है एक आम आदमी ने। चलो रिसेशन ही आए घट घट, कोई गल जी डिमांड शिमांड घटेगी, घट घट प्राइस प्रूज जोड़े ने रुकन के सेलां लगन गियां, डिस्काउंट सब कुछ मिलेगा। चलो कहानी खत्म, पॉजिटिव ला लो, चलो कोई गल नहीं, ठीक है ना जी। कैनेडा हाउसिंग की मैं गल करनी सी युधवीर जी की, कैनेडा हाउसिंग के नंबर थोड़े चंगे आए ने फॉर आई वुड से सप्लाई के पक्षों, जरा हाउसिंग स्टार्ट जो सितंबर से होया वो हाईएस्ट लैवल से चला गया है, एंड लास्ट ईयर नवंबर तो बताई मनी तो बहुत अगे निकल गया है। एनुअल रेट ऑफ हाउसिंग स्टार्ट इन सितंबर पूरे कैनेडा की गल हो रही है क्लोज टू 300,000, 11% का उस अंदर जंप आया एक महीने के अंदर, और जिसके अंदर जी अर्बन स्टार्ट ने 12% का जंप आया है, और मल्टी यूनिट के अंदर 16% के करीब, और जरा सिंगल फैम डिटैच करने वो फ्लैट रहे ने। रूरल के अंदर जरा है लगभग 23,000 जरा रेट ऑफ स्टार्ट है 23,447, तो स्टार्ट इज ए लिटल गुड साइन आई वुड से। ठीक है जी। अच्छा ये जी सितंबर ओवरऑल जी कैनेडा की मार्केट की रिपोर्ट आई है, मतलब की ये तो इन्फ्लुएंस की है पीके सबरवाल साहब, भी प्राइजिज जेडे ने जी जे बॉटम वाल जा रहे थे वो हुण थोड़ा घट घट रहे ने या बिल्कुल बॉटम वाल जा चुके ने या हजे स्लाइड हो रहे ने थले बड़ी तेजी नाल? मैनूं लगदा सर बॉटम अप अजे आए नहीं है, बॉटम अप वास्ते 26 अक्टूबर का लोकी जरा रेट की हालांकि सब दिमाग हैगा कि होगा, उसके बाद फिर दिसंबर का मैनूं लगता है कि बॉटम अप आंदे आंदे जनवरी आ जाएगी सर, अजे थोड़ा जा होर गुंजाइश हैगी थले आने की, उत्ते तो जा नहीं सकता, इस करके मैं सारे अपने बायर नूं कहना होना कि भी जल्दबाजी ना करो, लेकिन मैं नाल आई भी कहना होना कि लै लो बॉटम अप दी तुसीं इंतजार करते रहोगे, कद बॉटम अप होया कद बदलना शुरू हो गया किस वक्त खिचा तो नहीं हो गई कुछ पता नहीं, लेकिन तुहानूं मैं एक गल दस दिया कि हुण भी मल्टीपल ऑफर के उत्ते ओवर द प्राइस घर विक रहे ने, अगर प्राइस इज राइट एंड हाउस इज गुड, यह हुण भी विक रहे ने, साढ़े ऑफिस तो रोज विकते हैं और रोज असीं देखने कि ऐसी गल नहीं है, अगर प्राइस राइट है तो डिमांड वध गई है, लेकिन बॉटम अप मैनूं लगता अजे पूरा नहीं आया। ठीक है जी। पंकज जी मैं थोड़े वाल आना चाहांगा कि कैनेडा की इकोनमी के बारे दोनों सवाल है, जे असी गल कर रहे हैं रिसेशन आने की, ठीक है पंकज जी तुहानू भी और पीके जी नू भी, ये फर्ज कर लो भी किसी भी इंसान की नौकरी बरकरार रहती है, उसकी इनकम सेम रहती है, या किसी बिजनेस के विच जे तुहाडी इनकम सेम रहती है, ठीक है, ते उन्होंने रिसेशन का की फर्क है? मैं वैसे एक सवाल पूछ, नहीं उन्होंने तो कोई फर्क नहीं, उन्होंने तो बेनीफिट हो रहा है क्योंकि उन्होंने को पैसा आ रहा है और चीजा सस्तियां हो रही ने उन्होंने वास्ते, अगर उस तरह देखा जाए तो अगर जिंदी इनकम चलती पई है दे आर फाइन बेसिकली इंटरेस्ट। बिल्कुल लोहित मैं कह रहा हूं रिसेशन आ रहे आम बंदे वास्ते से चंगा हो जाता है ना सर, वड्डी वड्डी कारपोरेशन पंगा आएगा उसके नाल जॉब के उत्ते असर तो होएगा ही होगा, सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट करता, लेकिन जिन्होंने कहते हैं पैसे वाले का पैसा कटेगा इट इज ए गुड साइन, एक आम आदमी को जाएगा इट इज ए बैटर साइन, मैं तो ताइयो कह रहे थे कि आन दियो। हाँ मैं यही गल मैं करना चाह रहा ना भी जे फर्ज कर लो भी ठीक है स्टॉक मार्केट उत्ते थले को बड़े लोगों को हो सकता है उत्ते थले हो जाए नुकसान हो जाए जिन्हों को बहुता पैसा है ने स्टॉक मार्केट या बहुत पैसा, लेकिन ओवरऑल जो एक आम आदमी है जी उसकी नौकरी बरकरार है, जी कहता जी कल मेरी कल मैंने $100 तनखा मिलती थी अज ही मैंने $100 मिली जा रही है, ठीक है जी अगले सारा साल उन्होंने 2023 के $100 की तनखाह सी $100 चलो जो बढ़ गई तो चंगी गल है, पर जो $100 भी उन्होंने मिली जा रही है वो तो रिसेशन का फिर पीके जी या पंकज जी कोई असर ना हो फिर यह मतलब? नहीं बिल्कुल ठीक गल है सर, जिहड़े गल देखो सिंपल जी गल है जिन्हां दे जित एक कहावत बड़ी मशहूर है जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द, सिंपल सी बात है जिन्हां कोल ज्यादा इत्थे फैले हुए ने सब कुछ कितने लगे हुआ है, हुण मेरी मोहा साहब जी तुहाडे मेरी कदम संडे नूं मुलाकात हुई सी मोहा साहब संडे नूं हुई सी ना, संडे नूं बैठ के असीं स्ट्रैटेजी अपनाई कि जिहड़ा पैसा मोहा जी लगाया असीं किस तरह के करना हैगा, एंड वेरी थिंग टू मी दिस इज हाउ वील बी वर्किंग इन दिस सेशन, वेरी नाइस, क्या होंगे कि सिर अंदर कर लो कछुए वाकन अपनी फिलावट कट कर दो खर्चे कट कर दो, आदमी कहता यार आएगा और निकल जाएगा, बड़ी चंगी गल आएगा और निकल जाएगा, अगर जल्दी ना निकलिया फिर मैं अपने घर के अंदर खर्चे इन्ने जबरदस्त स्ट्रिक्टनेस करती है कि नहीं करने, वाइफ कई बार हंसती होती है तुम्हें मैं चुप बिल्कुल नहीं, हमने वक्त के हिसाब से चलना है बस बात खत्म, और आम आदमी को कोई फर्क मुझे लगता पड़ने वाला नहीं है, उनको बेनिफिट ही होना है मेरे ख्याल से। एक्चुअली
ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਣ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 30,000 ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਵਾਪਿਸ, 30,000 ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਮਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਔਨ ਦੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 5.2% ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਨੇ, ਵੇਜਿਸ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5.2% ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ $100 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $105 ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ $100 ਐਵਰੇਜ $5 ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $10 ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $100 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਵਾਪਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਬਾਉਂਡ ਆ ਨਾ ਉਹ US ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਟੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਆਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ। ਜੋਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 2.5-2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90-95,000 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ 60,000 ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 72 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜਾ ਹੋਇਆ US ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਮਤਲਬ 30% ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਲੋਡ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਸੂਰ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਦਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸਸ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ $1,000-1,500 ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 10 ਪੈਲਟ ਇੱਕ ਕਾਸਕੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ 7 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਲਟ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10 ਪੈਲਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦੁੱਧ, ਉੱਥੇ 6-7 ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੁੱਧ ਪੈਸੇ ਨੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਧਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
वापसी से कोई लोड आना हिसाब किताब ही को नहीं महा इना को नुकसान हो रहा तुम सोच नहीं सकते बंद कर कंपनियां बंद कर रही मतलब कैलिफोर्निया लोड जा रहा है उतो वापसी का लोड डीजल एक ट्रक जरा 5,000 तो उत्ते डीजल खा रहा है तो लोड 3,600 US का चार्जर आ रहा है ए तरीका बनया और जी ग्रोसरी की प्राइस है वह नहीं थले आ रही आप ही जा रही है मैंने एक तुम संतरिया का बैग का ला लो अज तो पहला ना $30 का अज $50 का प्राइस जो $30 सी उदो ना लोड की प्राइस ज्यादा सी अज $50 का अज लोड की प्राइस घट है इंडियन एम्बेसी जी यूक्रेन अज उन्हें वेंसडे आले दिन इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन अपने इंडियन सिटीजन कह दिता है कि जल्दी तो जल्दी जो भी थोड़े को अवेलेबल मीन है तुसी यूक्रेन ट्रैवल ना करो फटाफट जरा जी यूक्रेन उन्होंने कहा कि ट्रैवल अवॉइड करो किसी भी तरह ना तो उन्होंने कहा कि जल्दी तो जल्दी जी इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन क्योंकि आने वाले टाइम हो सकता है कि रशिया जरा यूक्रेन काफ़ी चीज़ा एसकलेट कर सकता है सो आप एक तो इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जेडे कोई यूक्रेन नहीं गए वे तुम यूक्रेन जाना ही नहीं है एक तो यह इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है इंपोर्टेंट डिवेलपमेंट मैं थोड़ा शेयर कर रहा दिस इज बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये हमने ही आई है साढ़े को कुछ ही सैकेंड पहला जे साहब ने भी शेयर की है जे साहब थोड़ा भी धन्यवाद सो ये मैं डिटेल जानकारी तुम दे रहा साढ़े को चिट्ठी पहुंच गई है जी इंडियन एम्बेसी ने चिट्ठी मेरे को इस वे जी इंडियन एम्बेसी ने कही है कि इन द व्यू ऑफ डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड रीसेंट एसकलेशन ऑफ होस्टैलिटीज अक्रॉस यूक्रेन इंडियन नेशनल्स आर एडवाइज अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू यूक्रेन द इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स करंटली इन यूक्रेन आर एडवाइज टू लीव यूक्रेन एट द अर्लीएस्ट अवेलेबल मीन बई जिदा भी तुम निकल सकते हो निकल जाओ इतों स्टूडेंट्स को भी कहता है जे स्टूडेंट भी हो सिटीजन हो फटाफट यूक्रेन तो निकल जाओ जी ए तो मैं दस दिता है कि अज की उन्होंने 19 अक्टूबर अज की डेट पा के चिट्ठी जी इंडियन एम्बेसी की चिट्ठी असं तुम्हारा शेयर कर रहे हैं सो ए बड़ी इंटरनल डिवेलपमेंट मैं थोड़ा दस रहा ये क्योंकि इतों संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम च रशिया यूक्रेन के उत्ते होर ज्यादा अटैक कर सकता हो सकता क्योंकि जे उन्होंने कहता भी निकल ही जाओ इतों अर्लीएस्ट पॉसिबल मीन इतों निकल जाओ चाहे स्टूडेंट हो सिटीजन हो यूक्रेन तो निकलो फटाफट जल्दी तो कोई संकेत कर रहे हैं जी कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रही है मैंने इतों देखते हैं जी बाकी ये साड़ी निगाह बरकरार रहेगी जी अगली कॉल से जाने तो पहला मैं चाहूँगा जी पंकज जी एक मिनट तुम अपना ले लो सर्विस बारे फिर एक मिनट पीके जी का फिर बाकी कॉल कर जी बिल्कुल अगर कोई किसी तरह की भी कोई इंश्योरेंस लेना चाह रहा है लाइफ इंश्योरेंस है क्रिटिकल है डिसेबिलिटी है उन्हें वास्ते मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो नाल अगर तुम किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मार्केट बड़ा ही सोच समझ के चलने वाली सिचुएशन हुई भी है अभी रिसेशन एक्सपैक्ट कर रहे हैं पिछले सिचुएशन थोड़िया जी स्टॉक मार्केट लेकिन अलग तरीके नाल देखा जाए तो नैटफ्लिक्स अज छलांगा मार रहे हैं जी उपर क्योंकि उन्होंने आपके नवे सबसक्राइबर 2.4 मिलियन उन्होंने एड कर लेते हैं तो अलग अलग कंपनियां ने जो काम कर रही ने सो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो भी मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इंश्योरेंस करना चाह रहे हो तो भी मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरा फोन नंबर है 6472851000 थैंक यू सो मच और पंकज जी पीके जी जी इस वक्त असी साडा ध्यान हैगा अबव काउंडोज दे उत्ते जिहड़े कि मिसागा च आ रहा है इस वक्त ब्रिस्टल एंड हाईवे 10 दे उत्ते एंड दो टॉप बिल्डर्स वेल नोन बिल्डर्स वेरी सॉलिड बिल्डर रियो कैन एंड मार्लिन स्प्रिंग्स इन्हां दी जॉइंट वेंचर नाल आ रहा हैगा एंड बिल्कुल एलर्टी फ्यूचर एलर्टी दे उत्ते अबव काउंडोज इन मिसागा इहदे उत्ते सानू कॉन्टैक्ट कर सकदे हो इहदी साडे कोल जिहने कहिंदे साडा एक्सेस हैगा यू विल गेट द यूनिट्स सारी डिटेल वास्ते सानू तुसी कॉन्टैक्ट कर सकदे हो 6472994757 और यू कैन विजिट टीम सबरवाल.com क्विकली जाने दा गल करना चाहूंगा माई कंप्लीमेंट्स टू यू युद्धवीर जी अगेन तुसी जरा कवर किया सीगा हुणे सारा इलेक्शन दे उत्ते जरा जरा पील दे अंदर जरा इन्हों का आपस इन्हों का डिस्कशन होया कौन जरा एड्रेस कर रहे सीगा वो पॉइंट्स इन्ने वधिया मैनू तुहाडे अलग अलग वाई मीडिया के आधार तो मैं पॉइंट नोट किया मेरे 5 पेज बन गए सर इन्ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट किए ने टू यू वाई मीडिया थैंक यू बहुत चंगी तरह पता की गल है खूबी की नजर आती है तुहाडे अंदर तुसी ना गल फैलांदे नहीं हो मतलब वड्डी वड्डी गल्लां नहीं तुसी टू दी पॉइंट्स गल नूं लिया के पेश कर देंदे हो उदां ने एक आम आदमी नूं समझ आंदा हैगा जी गल तो जारी रहेगी सारे ने गल जारी रहेगी 816 475 4164755000 थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू